हाय दोस्तों, आपको स्वागत है नए टेक न्यूज़ के अंदर। तो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली खबर यहाँ पर निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से, और कल ऑफिशियली माधव शेठ जी ने रियलमी का 9i ऑफिशियली टीज कर दिया है। तो देखिए इस पिक्चर में जो पहले भी लीक हुई थी, बट इन्होंने आज ऑफिशियली माधव शेठ जी ने स्टोरी पर डाल दिया था ये इमेज। तो इसे कन्फर्म हो रहा है कि कुछ इसी तरीके के डिज़ाइन के साथ में आने वाला है रियलमी 9i। एक और खबर आ रही है रियलमी टेक लाइफ की तरफ से, और इन्होंने जो अपना RO लॉन्च कर दिया है, और ये कुछ 1000 के करीब आपको मिलता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। और काफ़ी इसके अंदर कुछ बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर, और 10 लीटर्स की इसकी कैपेसिटी है, और आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट करके काफ़ी कुछ चीज़ें इसके साथ कर सकते हो। एक और खबर आ रही है रियलमी की तरफ से, और रियलमी 9 प्रो की बैटरी ऐसा बताया जा रहा है कि 4880 mAh की हो सकती है। और अगली खुशखबरी ये है कि NBTC पर भी लिस्ट हो गया है ऑफिशियली, और इंडिया के अंदर काफ़ी जल्दी आने वाला है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार वो लोग ऐसी पिछले बार की तरह गलती नहीं करेंगे, इस बार चिपसेट अच्छी देंगे। खैर, क्या बोलते हो, 5G तो होने वाला है, क्या बोलते हो, मेरे को लेना चाहिए कौन सा फ़ोन? आज वनप्लस की तरफ से दो खबर आ रही है, एक बुरी है एक अच्छी है। तो सबसे पहले अच्छी देते हो, बाद में मूड ख़राब करेंगे। तो सबसे पहले जो है वनप्लस 10 प्रो के कुछ कैमरा सैंपल्स बाहर आ गए हैं। वे वो ठहर के हो, पहले कैमरा क्वालिटी देखो, बाद में देखना सब कुछ। और देखेंगे कुछ क्वालिटी भाई एकदम तगड़ी निकल के आ रही है। खैर, देखते हैं अभी कब तक आता है ये फ़ोन। और दूसरी खबर ये है कि वनप्लस का फिर से एक फ़ोन ब्लास्ट हो चुका है, जो कि कुछ मेंशन नहीं किया है इस बंदे ने, बट हाँ, ये जो है मुगुल शर्मा ने इसका रीट्वीट किया है और बोला है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ सीन होगा। और देखने से तो ऐसा लग रहा है वनप्लस नॉट CE था ये। तो देखेंगे भाई, बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हुआ, मतलब ये दिन पर दिन कैसे बढ़ते जा रहे हैं वनप्लस के बढ़ते जा रहे हैं भाई, ये ब्लास्ट हो गया, वो ब्लास्ट हो गया, पता नहीं ये वनप्लस वाले कर क्या रहे। और ये कन्फेशन में भी बोलेंगे कि हाँ भाई, हम देखते हैं, हम आपको पैसे दे देंगे, बट यार ब्लास्ट हुआ तो अगर जेब में होगा तो फ़ोन मतलब पैंट वैंट सब कुछ जल सकते हैं। यार कुछ समझते नहीं इनको क्या हो रहा है, पता नहीं आजकल इनको फ़ोनों के अंदर। अगली खबर आ रही है BSNL की तरफ से, और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आप जियो का सिम यूज़ करते हो और आपने पोर्ट किया है उसको BSNL के सिम के ऊपर, तो आपको 5GB डाटा जो है फ्री मिलने वाला है। पता नहीं क्यों कर रहे हैं भाई, मेरे दोस्त के पास ही BSNL, वो बस 10 बार BGMI ऑफलाइन जाते हुए नहीं आता, मेरे को मालूम बहुत बेकार है इनका नेटवर्क हमारे इधर। तो अगली खबर आ रही है एप्पल की तरफ से, और iPhone SE 3 ऐसा बता सकता है कि इसमें कोई डिज़ाइन चेंज नहीं हो सकता है। जो पिछले साल हमको मिला था SE, उसी के जैसा कुछ डिज़ाइन होगा, तो इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं होगा ऐसा बताया जा रहा है। काफ़ी बुरी खबर है, हम सोच रहे थे भाई इसके अंदर कुछ फ्लैट एजेस वेजेस मिलेंगे और भी कुछ बहुत कुछ मिलेगा, बट शायद ऐसा बताया जा रहा है कि नहीं हो सकता ऐसा कुछ भी। अगली खबर आ रही है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग S22 के कुछ स्पेसिफिकेशन बाहर आ गए, जैसे कि 108 MP और आपको 10x जूम मिलेगा डिजिटली, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर। लेकिन देखिए, अभी मेन चीज़ होता है मुद्दा कि बाहर जाएगा ये स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ, और इंडिया में इसको लॉन्च करेंगे Exynos के साथ, तो ये जो बहुत बुरी बात होगी अगर इन्होंने S सीरीज़ में ऐसे किया, तो भाई कोई लेगा ही नहीं इनके फ़ोनों को। अगली खबर आ रही है टेक्नो की तरफ से, और टेक्नो कैनन 18 की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि ये जब इंडिया के अंदर लॉन्च होगा तो इसके कुछ प्राइस 15,000 के करीब रहने वाली है। और अभी जो है देखेंगे इसको, कुछ इमेजेस भी बाहर आ गए हैं, तो हाँ फिलहाल के लिए देखने के अंदर फोन काफ़ी अच्छा लग रहा है। खैर, देखते हैं इंडिया में कब तक इसको ये लोग लॉन्च करते हैं। अगली खबर आ रही है लेनोवो की तरफ से, और लेनोवो लीजन Y90 इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बाहर आ गए, और देखेंगे इमेज भी इसकी लीक हो गई। और भाई साहब, क्या ही गेमिंग फ़ोन है भाई, एकदम तगड़ा। लेनोवो की मेरे को एक चीज़ पसंद आती है कि गेमिंग फ़ोन जो है ना बहुत ही सही निकालते हैं, और इसके अंदर ऐसा बता रहे कि 144Hz का रिफ्रेश रेट होगा डिस्प्ले के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, और 6.92 inches की डिस्प्ले होगी। तो भाई साहब, ये तो बहुत ही बड़ी डिस्प्ले हो गया, ऑलमोस्ट 7 inches हो गया ये, और इसके अंदर एयर ट्रिगर्स वगैरह भी रहेंगे। देखते हैं खैर अभी ग्लोबली कब तक जाता है, और इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा। अगली खबर आ रही है ऑनर की तरफ से, और ऑनर वी फोल्डेबल फ़ोन, जैसे कि मैंने आपको पिछले टेक्निक्स में काफ़ी बताया है इसके लीक के बारे में, तो ये जो ऑफिशियली चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है, और इसकी जो प्राइस निकल के आई है वो 1,63,000 है चाइना से। भाई साहब, क्या है भाई, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया मेरे हिसाब से। तो यार अगर इंडिया में इस प्राइस पे आएगा तो कोई पूछेगा नहीं इसको वैसे तो। खैर, इंडिया में लोग लॉन्च करेंगे भी नहीं मेरे को जहाँ तक लगता है, इनके गूगल सर्विस का बहुत ज़्यादा लफड़ा है। खैर, देखते हैं आगे अब क्या ही होगा इनके साथ। और नेक्स्ट खबर आ रही है ट्विटर की तरफ से, और ऐसा बताया जा रहा है कि ट्विटर के अंदर अभी टेस्टिंग चालू है, जैसे टिकटॉक है जैसे शॉर्ट्स वीडियो के लिए। मतलब यार ये चल क्या रहा है ज़िंदगी में, पता नहीं चल रहा है यार। पहले इंस्टाग्राम में रील्स घुसा दिए, फिर यूट्यूब में शॉर्ट्स घुसा दिए, और हमारे जैसे क्रिएटर्स के वार्ड लगा दिए, और अब ट्विटर में भी आ जाएगा। तो भाई ट्विटर में भी आप छमिए चाले कर सकते हो, ऐसा बताया जा रहा है। काफ़ी जल्दी iOS के अंदर आ जाएगा, फिर एंड्रॉइड के अंदर भी आ जाएगा। इस बार शायद उल्टा कर रहे हैं लोग, पहले iOS में ला रहे। खैर, आज के टेक्निक बस इतना ही। अगर टेक्निक पसंद आए तो एक लाइक कर देना बनता है बॉस, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर आपको इस तरह की वीडियो पाने हैं फ्यूचर के अंदर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।